हेलो गाइस, आई वेलकम ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, एक कॉलेज के एक स्टाफ रूम में मैं बैठा था और एक लेडी प्रोफेसर ने अपनी बातों बातों में तीन बातें बताई। सबसे पहली बात उसने ये बताई कि पता ही नहीं चला 16 ईयर मैंने पढ़ाई कर ली, जबकि बचपन में पढ़ाई करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी बात उसने ये बताई कि जब आपस में इंट्रोडक्शन वो कर रही थी एक दूसरे का, तो तुमको कितना टाइम हो गया, तुमको कितना टाइम हो गया, तो उस लेडी ने बताया मुझे 3 साल यहाँ जॉब करते करते हो गए। फिर बातों बातों में उसने ये बताया कि 5 साल की जब मैं थी तब मेरे को पढ़ने भेज दिया था पेरेंट्स ने। ऐसा कहते हैं कि महिलाएं अपनी एज बताती नहीं है यूजुअली, लेकिन इन तीनों बातों से मैंने एक चीज़ निकाल ली कि एक्स मान लीजिए उसकी प्रेजेंट एज है और उसको 16 ईयर पढ़ाई करते करते हो गए और 3 साल उसको जॉब करते करते हो गए, तो इन सब इस एक्स में से ये दोनों माइनस करेंगे तो वही तो एज बचेगी जब वो पढ़ने स्टार्ट करा था उसने। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा 5 + 3 + 16 हो जाता है, तो मेरा x इक्वल टू 24 आ गया। ये उसकी एज पता चल गई। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें पावर वेरिएबल का 1 होता है। वेरिएबल कितने भी होंगे तो चलेगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी होंगे तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल पे पावर 1 होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यदि क्वेश्चन करूँ कि हम तीन भाई हैं, तीनों की एज का टोटल सपोज करिए 70 ईयर्स है, और बताओ हम तीनों की इंडिविजुअल एज कितनी कितनी है, तो आप जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल जब एक से ज़्यादा होते हैं तो जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो सकती इक्वेशंस। तो यहाँ पर ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल 3 हैं, तो जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, और ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करें तो x = 5, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इस टाइप की होती है x + y = 7, 3 वेरिएबल हो तो 3x + y + z = 5। तो ये सारी चीज़ें हम ही ने तो बनाई हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स यदि सच बोलने लग जाए तो इक्वेशन ही नहीं हो। जब मैंने किसी से क्वेश्चन किया तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो उसने बोला x, तो जब सामने वाला मुझसे पूछेगा तुम्हारे पॉकेट में कितना है तो मैं क्या बोलूँगा, जब वो नहीं बता रहा तो मैं बोलूँगा y, तो हम दोनों के पास मिला करके कितना हो गया x + y। तो ये वेरिएबल्स प्रोड्यूस इसीलिए होते हैं कि हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, हम बताते नहीं हैं। हर इंसान यदि हर चीज़ को क्लियर बता देते इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी। तो कई लोग एलजेब्रा से घबराते हैं, एक्स वाई देख के घबराते हैं, ये हम ही ने तो बनाए हैं। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। सिर्फ 2 वेरिएबल यदि हम लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे x + y = 5, ये मेरी 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है। अब यदि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर x कितना है और y कितना है, तो हजारों लाखों करोड़ों आंसर आ जाएंगे। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना मेरी बात पे, मैं आपको बता देता हूँ। x = 1, y = 4, देखो आप चेक करके देख लो, 1 + 4 = 5 होता है। x = 2, y = 3, 2 + 3 = 5 होता है। x = 5, y = 0, ये भी टोटल 5 होता है। x = 6, y = -1, नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, ये भी 5 होता है। x = 3.5, y = 1.5, ये भी तो टोटल 5 होता है। तो स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं और ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लीनियर इक्वेशन यदि आपको कोई एक ही दे देगा तो उसके ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब यहाँ पर इसका ग्राफ भी प्लॉट करना मैं आपको सिखाता हूँ कि यदि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये हमें जानना जरूरी है। x + y = 5, दोस्ती करने के लिए 2 हाथ होने चाहिए और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए। अब वो 2 पॉइंट कैसे लेंगे अपन, ये बताता हूँ मैं आपको, x और y।
यदि मैं एक्स का कोई वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज वन, कुछ भी ले सकते हैं जो मन करे, तो वन यहाँ रखेंगे तो सॉल्व करके देखो, वन एक्स का वैल्यू प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो वाई इक्वल टू फाइव और ये वन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू आ गया फोर, तो वाई की जगह लिख दो फोर। एक्स का वैल्यू एक और ले लो जो मन करे, कोई सा भी ले लो, जैसे मैंने एक्स का वैल्यू लिया थ्री, तो थ्री रखेंगे तो थ्री यहाँ पुट करो तो ये आ जाएगा थ्री प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो वाई इक्वल टू बना फाइव माइनस थ्री यानी कि टू आ गया, तो वाई का वैल्यू मेरा टू आ गया। अब दो पॉइंट लाइन बनाने के लिए सफिशियंट है, ज़्यादा लेना चाहें तो आपका मन, नहीं लेना हो तो नहीं लेना चलेगा। सपोज मैं एक्स को जीरो ले लेता हूँ तो वाई का वैल्यू मेरा फाइव आ जाएगा, तो दो पॉइंट इनफ होते हैं लाइन बनाने के लिए, ज़्यादा आपको लेना है तो भी ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइन बनेगी कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अब जिनको नहीं पता है एक बार समझ लें, जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है प्लॉटिंग करना, पॉइंट्स का लाइन बनाना, इट्स ओके, जिनको नहीं आता है वो भी सीख लें। अब ये मैंने स्केल डाल दी है वन टू, ये समझते हैं ना, ग्राफ पेपर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर मेरा एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये मेरा वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये मेरा वन टू थ्री, ये ऊपर चलेंगे तो ये वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से मेरे ये प्लॉटिंग कर ली मैंने। अब लाइन कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ, वन एक्स को लेते हैं तो वाई फोर आता है, तो वन के साथ फोर यानी मेरा ये पॉइंट आया, एक्स को थ्री लेते हैं तो वाई मेरा टू आता है, तो ये मेरा ये ऐसे ऐसे करके मैंने पॉइंट बना दिया, ये दो हो गया, तीसरा जीरो फाइव, तो एक्स को जीरो यानी यहीं पे लेंगे तो फाइव इधर आ जाएगा मेरा, तो देखो ये दो पॉइंट मैं मिलाऊंगा और आगे बढ़ा दूंगा तो ये पॉइंट अपने आप रास्ते में आएगा, आप ये पॉइंट ले हो चाहे मत ले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो पॉइंट हो गए ना तो लाइन बन जाएगी और ये लाइन ऐसी बनेगी, ये ऐसा, ये ऐसे 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 मिला दो, तो ये हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट इस लाइन के ऊपर होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। गाइस मेरे स्क्रीन की लिमिट है, इस लाइन की कोई लिमिट नहीं है, ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बल्कि आगे तक भी चली जाएगी, तो लाइंस बनाने में किसी तरह का वो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कोई लिमिट ही नहीं है इसकी, हर डायरेक्शन में ये मेरी लाइन। तो ये जो लाइन है, जैसे कोई इंसान को उसके नाम से हम जानते हैं ना, वैसे लाइन को उसकी इक्वेशन से जानते हैं, इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो ये इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन के कोई दो इक्वेशन नहीं हो सकती, बस यही एकमात्र इक्वेशन है, इक्वेशन बदल दोगे तो लाइन बदल जाएगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा था और इसकी क्या ज़रूरत थी, प्लॉट क्यों करवा रहे हैं, केवल इक्वेशन ही क्यों नहीं सॉल्व करवा देते, ये बातें भी सिखाऊंगा मैं आपको। अब सबसे पहले मैं आपको इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है ये भी समझा रहा हूँ, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना तो वो क्या होता है फंडा, देखो जरा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एक लाइन की इक्वेशन है मेरी 3x प्लस वाई इक्वल टू नाइन और दूसरी लाइन है x प्लस टू वाई इक्वल टू एट। अब ये लाइन का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो एक छोटा सा टेबल इसके लिए बना लिया जाए और एक छोटा सा टेबल इसके लिए बनाया जाए। और कितने पॉइंट लेंगे अपन, दो ही ले लो यार, बहुत है, मैंने बोला था ना दो पॉइंट से काम चल जाएगा। तो अच्छा, उसमें भी एक चीज ध्यान रखा करो, बहुत आसानी से काम करना होता है, एक्स को जीरो ले लो एक बार तो वाई निकाल लेना, और एक बार वाई को जीरो ले लेना एक्स निकाल लेना, बस हो गया काम। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले एक्स ले, पहले वाई ले लो एक्स निकाल लो, यहाँ पर भी एक्स को जीरो ले लेना वाई निकाल लेना, और एक बार वाई को जीरो ले लेना एक्स निकाल लेना, कितना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स जीरो ले लेंगे तो जीरो इंटू थ्री जीरो, जीरो प्लस वाई इक्वल टू नाइन, तो ये मेरा नाइन आ गया, और एक बार वाई को जीरो ले लो तो वाई को जीरो लेंगे तो ये थ्री एक्स इक्वल टू नाइन, तो एक्स मेरा थ्री हो गया। इसी तरह से यहाँ पे x को जीरो ले लो तो ये टू वाई इक्वल टू एट, तो y फोर हो गया, और y को जीरो ले लो अब की बार तो ये x इक्वल टू क्या आ गया, एट आ गया। तो बड़े आराम से दो लाइन अब आराम से बन जाएगी, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरे एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस y एक्सिस, और ये पॉइंट्स ले लेता हूँ वन टू थ्री, इसमें बड़ा से बड़ा नंबर नाइन दिख रहा है मेरे को बस, तो नाइन से ज़्यादा तो जाना ही नहीं अपने को, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इस तरफ भी ले लो वन टू थ्री फोर,
5, 6, 7, 8 और 9। अब ये 0 के साथ 9, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। फिर 3, 0 यानी कि 3, 0 यानी कि ये 3, 0 हो गया मेरा। अब इन दोनों को मिला देता हूँ तो ये मेरी लाइन हो गई, तो ये लाइन बन गई। इस लाइन का नाम बोल दो क्या होगा, 3x + y = 9, इसी का है ना, तो ये ऐसे एरो बना करके लिख दो 3x + y = 9। इज दैट क्लियर। चलिए अब अपने को दूसरी लाइन बनानी इसकी, x + 2y = 8। तो x 0 लेते हैं तो y 4, तो x को 0 लिया मैंने तो y 4, ये मेरा पॉइंट आ गया। x को 8 लेंगे तो y 0, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। अभी दोनों को मिला देता हूँ मैं, तो फिर मेरी एक और लाइन बन जाएगी, ये मेरी एक और लाइन बन गई गाइस। तो ये दोनों लाइन आप देख रहे हो कि इंटरसेक्ट कर रही है ना। आपको लगेगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। गाइज ऐसा नहीं है कि हर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हो, मैं आपको ऐसी लाइन भी बताऊंगा जो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही इन दोनों इक्वेशन का आंसर भी देता है। आंसर बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। अब आप बोलोगे यहाँ तो पॉइंट है, ये आंसर कहाँ से हो गया, आंसर कैसे दिख रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, आंसर ऐसे दिखाता हूँ मैं इसको। जैसे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से नीचे एक लाइन डाल दो ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2, और एक लाइन इधर डाल दो ऐसे, तो यहाँ कितना दिख रहा है, 3। तो ये x का वैल्यू है और ये मेरा y का वैल्यू है। जो y एक्सिस पे है y का वैल्यू है, जो x एक्सिस पे x का वैल्यू है। तो आंसर आ गए x = 2, y = 3। इज दैट क्लियर। अब कई लोग ये बोलते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, इतना बड़ा सब करके ही पता चलेगा क्या? नहीं गाइज, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इसकी भी एक कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए आपकी लाइन है ऐसी ax + by, a1x + b1y = c1, और a2x + b2y = c2। ये मैं ऐसा दिखा रहा हूँ ताकि इस टाइप से दिखने लग जाए, है ना। अब कंडीशन ये होती है कि a1/a2 ≠ b1/b2, तो पक्के से इस लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और पक्के से इसका आंसर आएगा ही आएगा। इंटरसेक्टिंग होगी तो आंसर आएगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो आंसर कहाँ से आएगा। अब यहाँ पर देखो, a1 की जगह कौन है, ये नंबर मेरा 3, अपॉन a2 की जगह कौन है, ये 1, 3/1, b1 की जगह कौन है, इस y का कोफिशियंट 1, और b2 की जगह कौन है, ये मेरा 2। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। देखो 3/1 3 और ये 1/2 बराबर नहीं है, मतलब पक्का हो गया कि ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद रखिएगा ये सारी बातें बहुत अच्छे से, और किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आपको बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ समझ आएगी, हर चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एक लाइन और दे रहा हूँ मैं, जैसे 3x + y = 4, और दूसरी लाइन है मेरी 6x + 2y = 8। अब ये दो लाइन मैंने बनाई है, अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी चीज होती है तो अपन उसको समझने का ट्राई करते हैं। एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा मैं यहां पर, लाइंस की इक्वेशंस को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। x + y = 3 और दूसरी इक्वेशन x + y = 5। पहले मैं ये ले रहा हूं, उसके बाद अपन दूसरी बात करेंगे। अब यहाँ पर यदि मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो एक छोटा सा टेबल मेरे को बनाना चाहिए इसके लिए, फिर इसके लिए भी मेरे को एक छोटा सा टेबल बनाना चाहिए। टेबल बना करके मैं ग्राफ के ये पॉइंट्स ले लेता हूँ एक्स वाई, फिर से ये मेरे एक्स वाई, तो ये मेरे पॉइंट्स में लेता हूँ। तो एक्स को मैं एक बार 0 लेता हूँ, यही सिखाया था मैंने, और एक बार वाई को 0 ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक बार एक्स को 0 ले लेंगे तो वाई आ जाएगा। यहाँ पर भी एक्स को 0 ले लेंगे तो वाई आ जाएगा, वाई को 0 ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो एक्स को 0 लेंगे तो वाई यहाँ पर 3 आ जाएगा, और y को 0 ले लोगे तो x 3 आ जाएगा। यहाँ तो वैसे भी टोटल 3 है, x और y का टोटल 5 है, तो ये 0 ले लोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 0 ले लोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसा बनता है। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये हमारे पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जा रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5।
अब यदि मैं ये लाइन बनाता हूँ तो 0 3, यानी कि 0 यहीं पे आएगा, 3 किधर आएगा, यहाँ पर आएगा 3 0, तो ये 3 0 मेरा यहाँ आ गया। तो इन दोनों को मिला दूँ तो ये मेरी लाइन बन गई गाइस। ये लाइन का नाम क्या होगा? इसकी इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, जैसे किसी बंदे को उसके नाम से पहचानते हैं तो वैसे लाइन को उसकी इक्वेशन से पहचानते हैं। और इसी तरह से 0 5 और 5 0, 0 5 मेरा ये रहा, 5 0 मेरा ये रहा। तो यदि मैं ये मिला देता हूँ इन दोनों लाइन को तो ये फिर मेरी एक लाइन बन गई। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी लेते जाओगे तो ये कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं टकराएगी, रेल की पटरियों की तरह पैरेलल लाइंस रहेंगी ये। तो ये जो पैरेलल लाइंस मेरी बनती हैं, तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का कभी कोई आंसर नहीं आएगा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो भी, क्योंकि इन दोनों की लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं होती है। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या इस चीज़ को डायरेक्ट समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है। इसका एक फंडा होता है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। यदि इस तरह की सिचुएशन होती है तो अपन बोलेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। और इसमें, इस केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है ये। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन, ए वन अपॉन ए टू मतलब ये वन अपॉन वन इक्वल टू वन अपॉन वन नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू 3/5। अब आप देख रहे हो कि यहाँ वन आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है, ये 3/5 आ रहा है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन बोलेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन, लाइन्स पैरेलल। तो ये एक फंडा हो गया। अब फिर एक फंडा दूसरा बताता हूँ मैं आपको, वो भी समझने का ट्राई करना। एक लाइन है जिस, वो है 3x+y इक्वल टू 9, देन 6x+2y इक्वल टू 18। अब यहाँ पर फिर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। तो पहले इसका एक टेबल बना लें। एक्स वाई, फिर ये टेबल बना लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई। एक बार एक्स को 0 लेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, एक बार वाई को 0 लेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक बार एक्स को 0 लेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, एक बार वाई को 0 लेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स को 0 लेके देखो तो 0 × 3 0, वाई कितना आ गया 9। एक बार वाई को 0 लेके देखो तो वाई 0 है तो 3x = 9, तो एक्स इक्वल टू आ गया 3। इसी तरह से इसके अंदर एक्स को 0 लेके देखते हैं तो 6 × 0 0, 2y = 18, तो वाई इक्वल टू आ गया 9। और y को 0 लेके देखते हैं तो y 0 लेते हैं, 0 × 2 0, 6x = 18, तो 6x = 18, तो x = 3 आ गया मेरा, तो x का वैल्यू मेरा 3 आ गया। अब इसको देख के ही मुझे तो समझ आ रहा है कि ये दोनों तो सेम ही लाइन देगी, ये 0 9 ये भी 0 9, ये 3 0 ये भी 3 0, पॉइंट जब वही के वही हैं तो दोनों लाइन भी वही की वही आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 9 ये यहाँ कहीं आएगा, 3 0 यहाँ कहीं आएगा, लाइन मेरी ये बनेगी। और जो दूसरी लाइन है उसमें भी 0 9 3 0 है, तो यही की ये लाइन बनेगी। तो इसी पर डबल कलर कर देता हूँ, यस यस यस, ये वाइट भी यही है और येलो भी यही है, यानी कि ये सेम लाइन दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एक लाइन की तो एक ही इक्वेशन होती है, ये दो दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे कर रही है? 3x + y = 9 और 6x + 2y = 18। तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। सच में देखा जाए तो ये इक्वेशन भी दो नहीं है, केवल ये आंखों का हमारा धोखा है। ये साड़ी में है और ये सूट में है, ये दोनों सेम ही है। ध्यान से देखो, इसका डबल करो तो यही आएगा 3x, पूरी इक्वेशन को डबल कर लो, कर ही सकते हैं, उसे इक्वेशन थोड़ी नहीं बदल जाती। 3 2 6, ये 2 हो गया, ये 9 2 18, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा। तो दीज लुक्स डिफरेंट बट दे आर सेम। तो जब ऐसा होता है तो उसकी भी कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ पर देखो 3/6
ये आ रहा है मेरा 1/2 और ये आ रहा है मेरा 9/18, तीनों चीज़ बराबर है। देखो आप, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तीनों 1/2 आ रहा है। तो ये कंडीशन काई की है, मेनी सॉल्यूशन की या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या मेनी सॉल्यूशन आएंगे। तो ये जो मेरी लाइन बन रही है, इसमें ये हर पॉइंट इसका आंसर होगा। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी दो वेरिएबल की कोई एक ही इक्वेशन, ये दो तो दिख रही है, दो तो है नहीं, ये तो एक ही इक्वेशन है और उसमें हजारों लाखों आंसर आते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइज, एक बार अच्छे से ये सारी बातें, किसी को भूलने का भी मन हो तो इतना जरूर याद रखना कि a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, ऐसी दो इक्वेशन दी है। और यदि a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो पक्के से सॉल्यूशन आएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब एकमात्र आंसर आएगा इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? दूसरी कंडीशन जो अभी अभी मैंने बताई थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तो ऐसे केस में मेनी सॉल्यूशन आएंगे और ऐसे केस में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक के ऊपर एक हो जाएगी, यानी वही लाइन रहेगी। और तीसरी कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ये अपने बीच वाला जो केस था इसको मैं यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो लाइन होगी वो पैरेलल टाइप की होगी और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पर दो लाइन एक ही को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर पैरेलल लाइन है। तो कुल मिलाकर के गाइज, ये बातें याद रखिएगा। एक बात और याद रखना गाइज, और वो बात ये है कि चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे मेनी सॉल्यूशन आए, इन दोनों ही केस में अपन बोलेंगे इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब आंसर देती है, चाहे एक दे चाहे अनेक दे, और नो सॉल्यूशन का मतलब आंसर ही नहीं देती है, तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये वर्ड से बस याद रखिएगा और कुछ भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई हमारी, ये ग्राफ क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, कंडीशंस क्या होती है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल्स लेके। इसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो मैं सिखाने जा रहा हूं, मेथड नंबर 1, और वो मेथड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और वो है इलिमिनेशन मेथड। ये जिंदगी भर यानी जब तक पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद तो रियल लाइफ में तो ठीक है, फिर तो बहुत सारे दूसरे पंगे रहेंगे, तो इक्वेशन तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, उसका कुछ ख्याल भी नहीं आएगा। बट ठीक है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, इक्वेशन से तो पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। इक्वेशन कई जगह बन जाती है और उसको सॉल्व करना पड़ती है, और सॉल्व करता करने आना भी चाहिए। और जो जो चीज़ें पता है हम 10th स्टैंडर्ड तक अच्छे से नहीं सीखते हैं, वो सब बदला लेती है बाद में, सब किसी न किसी तरह से कहीं आके खड़ी हो जाती है। और मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब से आप अपने फादर की हाथ पकड़ के या मदर के हाथ पकड़ के स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं ना, तभी से स्टार्ट हो जाता है। और वो 10th तक पता नहीं कितना कितना पढ़ा देते हैं, और वो जो जो चीज़ें हमने अच्छे से नहीं पढ़ी होती है वो बाद में फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आती है। और फिर जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं और जब फैकल्टी पढ़ाते हैं वहाँ कोचिंग में, धमाधम एक के बाद एक चीज़ें बताते चले जाते हैं, स्पीडली क्लास चलती है, वहाँ कोई उस वक्त ये नहीं बताएगा कोई कि ये दो इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाए होगी, मेथड कोई नहीं बताएगा, बंदा सॉल्व करेगा और वो भी स्पीडली रहेगा मामला, तो आपको लगेगा यार कहाँ आ गए अपन। तो आप अपना स्ट्रोंग बेस इतना स्ट्रोंग कर लो कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस। तो इसी के लिए आप बार बार लेक्चर सुनते रहो, देखते रहो, ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते रहो गाइस। तो ये ज्ञान गणित चैनल आपके लिए ये सारी चीज़ें मुहैया करवा रहा है। इलिमिनेशन मेथड की जो अपन बात करते हैं, तो ये हमारा 4x + 3y = 17, ये मेरी एक इक्वेशन है। देन 3x + 7y = 27, ये दो इक्वेशन है। और इलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ। इलिमिनेशन का मतलब होता है कोई एक वेरिएबल को पहले अपन गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे? कोई जादू तो है नहीं, मेथड लगाना ही पड़ेगा।
तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ये जो एक्स का कोफिशियंट है ये 3 है, और ये जो एक्स का कोफिशियंट है यहाँ 4 है। तो इस नंबर का इधर मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, और इस नंबर का इधर मल्टीप्लाई कर दो। यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना इस नंबर 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना इस नंबर 4 से। चलिए, तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो वो ऐसे सीख लेना, ये जिंदगी भर काम आएगा। ये मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आप काम आएगा आपके। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 12x + 9y = 17, 3 जा 51। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x + 28y + 27, 4 जा 108। अब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इन दोनों के साइन कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, ये साइन माइनस, ये साइन कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे। अब नया साइन आ गया माइनस। अब याद रखना गाइस, जब आपका साइन ये माना जाएगा, ये जो माइनस है ना, ये वाला, ये नया साइन है, तो ये मेरा कैंसल हो गया 12x से 12x, 9y - 28y। तो ये मेरा कितना बनेगा, 9y - 28y। तो 9 बड़ा है कि 28 बड़ा है, 28 बड़ा तो आंसर माइनस का आएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 - 9 यानी कि 19y, वो भी माइनस का, = 51 - 108। तो 108 में से 51 माइनस करेंगे तो ये 57, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर 108 निगेटिव है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = बनेगा 57/19। तो y = 19, 3 जा 57 होता है ना। कई लोगों को तो अभी भी डाउट हो रहा है, सच में होता है कि 19 3 जा 57, क्योंकि 19 का तो टेबल हमें आता ही नहीं है, है ना, कैलसी का जो जमाना है। तो गाइज इतना मत करो यार, है ना, जुल्म मत करो मैथमेटिक्स के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो पहली इक्वेशन है ये मैं वापस से लिख रहा हूँ, 4x + 3y = 17। और ये जो हमारा आंसर आया वाई का वैल्यू 3, ये यहाँ पर पुट करेंगे अपन, तो 4x + 3 × 3 = 17। तो 4x + 3 3 = 9 = 17। तो 4x = 17, आपको पता ना ये नंबर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x = 9, ये 8 हो गया, तो x = 8/4, तो x = कितना आ गया, 2 आ गया गाइस, तो x = 2 आ गया। और y कितना आया था हमारा, y = आया था 3, तो ये हमारे आंसर हो गए गाइस। इज दैट क्लियर? यदि आपको चेक करना हो कि ये आंसर सही है कि नहीं है, तो आप यहाँ पुट करके देख लो, कहीं भी दोनों में सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। x आया 2, तो 2 4 जा कितना 8, y आया 3, तो 3 3 जा कितना 9, तो 8 और 9 का टोटल कितना 17, वही तो लिखा है यहाँ पर। यहाँ भी देख लो, x2 आया था तो 3 2 जा 6, y3 था तो 3 7 जा 21, 21 + 7 कितना 27, यही तो लिखा है यहाँ पर। इस चीज़ को हम मैथ्स वाले ऐसे बोलते हैं कि ये आंसर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, ये हमारा पहला मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड सिखा रहा हूं मैं, मेथड 2। भले ही आप जीवन में एक ही मेथड से सॉल्व कर लेना, लेकिन यदि एग्जाम में नाम ही दे दे कि ये मेथड लगाओ इलिमिनेशन, तो फिर उससे ही करना पड़ेगा। अब ये जो मेथड है मेरा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन बदल लें कि वही ले लें, वही ले लेते हैं, आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ यार यही आंसर आता है इस मेथड से भी, 4x + 3y = 17। और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 3x + 7y = 27, 3x + 7y = 27, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से पहली इक्वेशन से किसका वैल्यू निकालेंगे, x का। तो कैसे निकालेंगे ये देखो जरा, 4x = 17, और ये 3y को उधर ले जाओ तो -3y, तो ये मेरा 4x हो गया, तो x = 17 - 3y / 4, तो ये मेरा वैल्यू आ गया। किस चीज़ का वैल्यू आ गया, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। कौन सी इक्वेशन से निकाला मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से। अब इस एक्स का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, निकाला किससे, फर्स्ट से, वापस उसी में मत रख देना, सेकंड में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 में, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे अपन ये वैल्यू,
तो इक्वेशन टू में पुट करेंगे, इक्वेशन टू क्या थी, 3x + 7y = 27, 3x + 7y = 27। अब इसमें x की जगह रखना 17 - 3y / 4, 17 - 3y / 4 + 7y = 27। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 17 = 51 - 3 3 = 9y / 4 + 7y = 27। अब क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो 51 - 9y + 4 7 = 28y। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 4 से। तो दोनों तरफ तो कर सकते हैं, इज इक्वल टू लगाए, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 7 = 28y = 27, 4 108, है ना। कईयों की ऐसी आदत रहती है वो ऐसे 4 LCM लेंगे, ऐसा कर लेना, बात एक ही है यार, कैसे भी कर लो। अब ये 28y में से 9y माइनस का गया तो कितना बचा, 19y = 108 - 51। तो 19y = 108 में से 51 गया तो वो मेरा बचेगा 57। तो y = 57/19, तो y = 3। अब y का वैल्यू मेरा 3 आ गया। अब ये y का वैल्यू 3 मैं कहाँ पुट करूँगा, जहाँ पे x लिखा है, देखो आप ये रहा, इसमें पुट करेंगे x = क्या था मेरा, 17 - 3y / 4। अब इसमें y की जगह कितना पुट करेंगे, 3 लाए थे अपन, तो 17 - 3 * 3/4, तो x = 17 - 9/4, तो x = 8/4, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो आपको लग रहा होगा यार इससे तो वही अच्छा था मेथड, है ना, लेकिन जब आपको बोल दे कि नहीं ये मेथड लगाना है, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर यही मेथड लगा लेना। इज दैट क्लियर गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड यहाँ पे सीखते हैं, उसका नाम है ग्राफिक मेथड से तो हम सॉल्व कर चुके थे, यहाँ पर हमारा क्रिस क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रेमर्स मेथड एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल दो या क्रेमर्स मेथड बोल दो। अब इस मेथड से अपन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, देखिएगा गाइस जैसे किसको कैसे सॉल्व करना। यस गाइस, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, अपन क्वेश्चन वही वाला ले लेते हैं, 4x + 3y = 17, 4x + 3y = 17, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 3x + 7y = 27, 3x + 7y = 27। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यदि आपको ये मेथड लगाना है तो ये सारे नंबर एक तरफ कर लेना, 4x + 3y - 17 = 0, और फिर 3x + 7y - 27 = 0। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आराम से याद भी हो जाएगा आपको। अब पहले तो इन सब कोफिशियंट्स को लिख लो, x का कोफिशियंट कौन 4, या y का कौन 3, ये नंबर है -17, साइन भी साथ में लेना, ये कोफिशियंट कौन 3, यहाँ कौन 7, या नंबर क्या -27। अब ये लिखने के बाद एक काम करना, ऐसा लिखना x = y = 1/, ऐसा लिख देना, यहाँ प्लस की साइन, यहाँ माइनस की साइन, यहाँ प्लस की साइन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ये मेथड सीख लो। अब सबसे पहले x के नीचे क्या लिखना है, तो पहले इसको छुपा देना, इस वाले को, क्या दिख रहा है, 3 - 17 7 - 27, ऐसा करके लिख देना इसको। अब की बार ये सेकंड को छुपा देना इसको, तो ये दो, ये चार बचे, तो 4 3 - 17 - 27, ऐसा। फिर इस वन के नीचे इसको छुपा देना, 4 3 3 7
4337 है ना, ऐसा लिखते हैं ना, इस चीज को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तब मेरा ये आ जाएगा x अपॉन, ये जो मेरे को सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 27 थ्री जा कितना होता है 81, तो माइनस 81 ये ऐसे करना है। फिर इन दोनों को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 17 7 119, वो भी माइनस का माइनस 119, और बीच में माइनस आता है ये याद रखना, इक्वल टू माइनस y अपॉन, फिर दो ब्रैकेट बना दो, बीच में माइनस आएगा ये भी पक्का है, इज इक्वल टू वन अपॉन, फिर दो ब्रैकेट बना दो, बीच में माइनस आएगा ये पक्का है। अब y अपॉन यानी ये करें 27 4 108, वो भी माइनस का, और ये आ जाएगा मेरा 17 3 51, वो भी माइनस का, फिर वन अपॉन ये 7 4 28 माइनस 9, 28 यहाँ आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। बस अब तो बड़े आसानी से आंसर आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 81 माइनस माइनस प्लस 119 इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस 108 माइनस माइनस प्लस 51 इक्वल टू 1 अपॉन 28 माइनस 9, तो ये मेरा बनेगा 19, 119 में से गया 81, तो ये मेरा बचेगा 8, 38, x अपॉन 38 इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस 108 प्लस 51, तो ये माइनस 57 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 19, ये माइनस से ये माइनस कैंसल। अब x अपॉन 38 इक्वल टू y अपॉन 57 इक्वल टू 1/19, तो अब आप देखो x अपॉन 38 ये किसके इक्वल है, 1/19 के, और y अपॉन 57 ये भी किसके इक्वल है, 1/19 के, तो दोनों को अलग अलग 1/19 के इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 19 1 19 19 2 38 19 1 19 19 3 57 कैंसिल कर सकते हैं ना, अब ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू 2 आ गया, और इधर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y इक्वल टू 3 आ गया। तो गाइज एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। Is that clear? अब मैं आपको ये बताऊंगा कि दो वेरिएबल की इक्वेशन बनती कैसे, कई बार बनी बुनाई इक्वेशन दे देंगे वो तो सॉल्व हो ही जाती है, कई बार इक्वेशन आपको ही बनानी पड़ेगी। अब वो इक्वेशन कैसे बनानी पड़ेगी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इन ए जू, एक जू के अंदर देयर आर सम मंकी एंड सम पैरट्स, there are 48 head and sorry there are 20 head and 48 legs, ये question है, there are 20 head and 48 legs, find number of monkeys and parrots। अब यदि अपन हेड की बात करें तो मंकी के एक हेड होता है हर मंकी के, और पैरट के भी एक ही हेड होता है, लेकिन यदि अपन लेग्स की बात करें तो मंकी की चार लेग्स होती है, पैरट की दो लेग्स होती है, यह तो पता है सबको, है ना। अब मैं मान लेता हूं कि जो मंकी है वो कितने हैं मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं एक्स मंकी है, पैरट कितने हैं मुझे नहीं पता तो वाई पैरट है, तो यदि मंकी का एक हेड होता है, एक मंकी का एक हेड होता है तो एक्स मंकी के एक्स हेड हो जाएंगे, और पैरट मान लो वाई है तो एक पैरट का भी एक हेड होता है तो वाई पैरट है तो वाई हेड हो जाएंगे, और टोटल हेड कितने दे रखे हैं, देर आर 20 हेड, तो हेड मेरे 20 है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, और लेग्स कितनी है 48, तो लेग्स चार होती है मंकी की तो चार एक्स ये हो गया, और वाई एक पैरेट की दो लेग्स होती है तो ये 2y हो गया इक्वल टू 48, ये दो इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 ये मेरी पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है मेरी 4x प्लस 2y इक्वल टू 48,
बस ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो काय का वैल्यू आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो आप कि जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट कोई नहीं है तो वन है, तो मैंने सबसे फेमस मेथड कौन सा बताया था? इलिमिनेशन मेथड, जो सबसे पहले सिखाया था। बस तो फटाफट वही लगाया करो, जीवन भर आदत डाल लो, जब भी दो इक्वेशन देखो इलिमिनेशन लगा दिया करो। अब ये जो फोर है इसका इधर मल्टीप्लाई करना है और ये जो वन है इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, बस फट से काम हो जाएगा। ये फोर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4x + 4y, और फोर को 20 से करोगे तो 80, ये 20 है ना तो ये 80 हो गया। इधर वन से मल्टीप्लाई करो, वन तो ऐसा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए ये साइन प्लस के दोनों के कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गया तो 2y बचा, 80 में से 48 गया, 32 बचा, तो y इक्वल टू 32/2, तो कितना आ गया ये 16 आ गया। तो ये मतलब y का वैल्यू 16 आ गया, और y का वैल्यू 16 आ गया तो x का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा, x प्लस वाई 20 है इक्वेशन नंबर वन में, और y 16 है तो x प्लस 16 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 में से 16 गया तो 4 आ गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये बात आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर, बात समझ आ गई। चलिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नया फंडा सिखा रहा हूँ जो आपको अभी से सीख लेना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी ऐसा प्रिफर नहीं करती कि वहाँ पर आप ऐसा 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 इतना सब करो, इतना टाइम वेस्ट करो। एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप ट्राई करना, आपको समझ आए तो अच्छी बात है, लेकिन 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में कहीं स्कूल में ऐसा बताने की लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल लेग्स कितने थे 48, और टोटल कितने थे एनिमल 20, तो मैं 20 से डिवाइड करूं तो एवरेज लेग्स आ जाएगा, तो ये मेरा आ रहा है इसका आधा 10, इसका आधा 24/10, 2.4 आ रहा है ना। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा 2.4 तो कोई लेग्स होता नहीं है, पर ये एवरेज है सबका, एवरेज समझते हो ना। चलिए अब मेरे को एक चीज बताओ कि मंकी की कितनी लेग्स होती है, 4। पैरट्स की कितनी लेग्स होती है, 2, और दोनों की मिला के जो एवरेज लेग्स आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.4। चलिए अब मैं एक नया फंडा बताता हूँ, 2 और 2.4 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.4। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर लो, दैट्स इट, लोड नहीं लेने का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.4 और 4 का 1.6। तो 0.4 और 1.6 का यदि आपको रेशो निकालना हो तो आप ऐसा करेंगे, पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन 10 आता है, ये गया काम से, ये पॉइंट भी गया काम से, तो अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, रेशो में तो कर सकते हैं दोनों तरफ कैंसिल, तो ये बचा ही क्या 4:16। 4:16 क्या होता है, 1:4, यानी कि जो मंकी और पैरट का रेशो है वो 1:4 है ना, रेशो में समझते हैं ना। 1:4 में डिवाइड करें तो 1/, दोनों का टोटल 5 × 20 टोटल एनिमल थे तो ये 4 आ गया, और ये 4/5 × 20 है ना, दोनों का टोटल नीचे लिखते हैं इंटू 20, तो 5 × 4 = 20, तो ये 16 मेरा क्या आ गया, पैरट्स आ गया। इसका मतलब मंकी तो है मेरे 4 और पैरट्स है मेरे 16। तो ये भी एक नई सोच है जो आपको, और ये सब प्रैक्टिस हो जाए ना तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, फटाफट फटाफट कर लेंगे आप, ये 4 है, ये 2 है, 2.4 है, फटफट फट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मंकी कितने 4 लेग्स थी या 2 थी, और एवरेज कितना आया था आपका 2.4। अब आपको ये पॉइंट तकलीफ दे कई बार, तो आप एक अक्कल लगा लिया करो यहाँ पर, है ना, बहुत मैं सीधी सादी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तीनों को एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल है। यहाँ 40 कर लो, यहाँ 20 कर लो, 10 10 से इंटू करो, यहाँ भी 10 से इंटू करो, तो पॉइंट गया, बस हो गया, तो भी आंसर आ जाएगा 20 24। कितना फ़र्क है 4 का, 24 और 40 कितने का फ़र्क है 16 का, रेशो क्या आ गया, रेशो भी मत निकालो यार, ये 4 है तो ये 16 है, तो टोटल 20 ही तो थे, तो इसका मतलब पक्का ये 4 है और ये 16, दैट्स इट। तो ये वो सब भी करने की जरूरत नहीं थी, तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, और एक चीज़ मैं अभी से बता देता हूँ कि कोई भी बंदा सिर्फ वो 1 साल या 6 महीने की मेहनत में कोई ऐसा नहीं कर सकता कि कोई बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ले। वही लोग निकालते हैं जिनका बेस स्ट्रांग होता है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, और इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स और इस तरह की चीज़ें अभी से आपका बेस स्ट्रांग कर लीजिए, अभी से सीख लीजिए, ताकि आपको चुटकियों में ऐसी एग्जाम सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।